पलवल में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा है। बिना पर्ची और बिना खर्ची का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में नौकरियों के नाम पर लूट की जा रही है। बीजेपी सरकार में सबका साथ सबका विकास ढकोसला साबित हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा सरकार ने जो हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर जो ये ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज जो सर्विसेज का आंकड़ा पेश किया था, ये इसमें जो है ना 21 मार्च के 5 मुख्यमंत्रियों ने लगभग हमारे प्रदेश में 50 से 55% सिस्टम के ऊपर कब्जा। इस भेदभाव के चलते मनोहर लाल खट्टर उनसे अछूता नहीं है, उनसे आगे निकल गया। महंगाई और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का 100 रुपए का पेट्रोल लोगों ने 110 का पेट्रोल खरीदा, जो लोग कहते थे 35 में देंगे। यही पोजीशन गैस की है, गैस का 300 वाला 350 वाला सिलेंडर 1100 में पहुंच गया। देश के अंदर महंगाई चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, पोस्टिंग होती है, वो पैसे पहले आंक करके किसी थाने तहसील की होती है। हमारा मकसद ये है कि जो लोगों ने वायदे किए थे वो वायदे गौण हैं,